तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ये गाना सुनते ही सभी के जहन में बॉलीवुड के चुलबुले पांडे यानी कि सलमान खान का नाम आता है। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में बहुत से ऐसे फिल्मों में काम किया है जो सभी के दिलों को छू गया है, इसलिए ही तो आज ये सभी के दिलों में राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अभिनेता फिल्मों में जितना कूल दिखते हैं रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि ये रियलिटी में एक एंग्री मैन है। जी हाँ, इन्हें बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता है। वहीं ये अपने गुस्सा को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये किसी के ऊपर भी हाथ उठा बैठते हैं। आपको बता दें कि आज तक बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के ऊपर हाथ उठा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वे सितारे जो सलमान खान के थप्पड़ का शिकार हो चुके हैं। पर रणबीर कपूर, बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले अभिनेता रणबीर कपूर इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही सलमान खान के थप्पड़ का शिकार हो चुके थे। दरअसल ये दोनों मुंबई के एक पब में मिले थे, जहां इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफी लड़ाई हो गई थी और फिर सलमान खान को रणबीर कपूर के ऊपर बहुत गुस्सा आया, जिसके चलते इन्होंने रणबीर को थप्पड़ मार दिया था। जब रणबीर के पिता ऋषि कपूर को पता चली तो उन्होंने सीधा सलीम खान यानी कि सलमान खान के पिता को बता दिया, जिसके बाद सलीम खान ने सलमान खान की लगा दी, इसलिए इन्होंने बाद में रणबीर कपूर को माफी भी मांगी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन, इस लिस्ट में वर्ल्ड ब्यूटी ऐश्वर्या राय भी शामिल है। इनके बारे में तो हर कोई जानता होगा कि ये दोनों कभी लवर्स थे, पर आपको बता दें कि सलमान ने इन्हें कुछ न कहो फिल्म शूटिंग के दौरान थप्पड़ लगा दिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय काफी दुखी भी हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें और एक बार फिर फिल्म चलते चलते की सेट पर भी ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारने जा रहे थे, लेकिन उस टाइम अभिनेता शाहरुख खान ने उन दोनों के बीच सलाह करवा दिया था। फिर भी सलमान खान का गुस्सा कभी गया ही नहीं और यही कारण है कि आज ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। नंबर 3, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन सलमान ने शाहरुख खान को भी नहीं छोड़ा था। दरअसल कैटरीना कैफ ने अपने बर्थडे पार्टी में कई सारे बॉलीवुड के सितारों को इनवाइट किया था, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान भी शामिल थे। इसी पार्टी में सलमान और शाहरुख ऐश्वर्या राय के बारे में बात कर रहे थे। वहीं शाहरुख ने ऐश्वर्या राय को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिससे सलमान गुस्से में आकर अपने दोस्त शाहरुख को थप्पड़ लगा दिया था, जिस कारण इनकी दोस्ती भी टूट गई थी। नंबर 4, कैटरीना कैफ। सलमान और ऐश्वर्या के बीच ब्रेकअप होने के बाद सलमान बॉलीवुड की क्वीन कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और ये दोनों मुंबई के एक कॉफी शॉप में बातें कर रहे थे, जहां कुछ बातें को लेकर सलमान खान बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें थप्पड़ लगा दिया था। इसके बाद भी इन्होंने साल 2008 में एक था टाइगर फिल्म शूटिंग के दौरान कैटरीना की रिवीलिंग ड्रेसेस को देखकर वे बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें उसी टाइम थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि सलमान कैटरीना को कभी बोल्ड ड्रेसेस में देखना नहीं चाहते। नंबर 5, सुभाष घई। सलमान ने अपने को स्टार के ऊपर तो हाथ उठाया ही, लेकिन ये अपने से बड़े लोगों को भी थप्पड़ मारने से पीछे नहीं हटे। आपको बता दें कि इनकी थप्पड़ का शिकार बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई भी हो चुके हैं। दरअसल सुभाष घई ने एक बार सलमान को कमेंट पास कर दिया था और चलती पार्टी में उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हो गई। फिर जैसे ही सुभाष घई सलमान खान के गर्दन की पकड़ने लगे तो सलमान गुस्से में आ गए और उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाद में सलीम खान के कहने पर सलमान ने उन्हें माफी मांगी। 6, सतीश कौशिक। सुभाष के बाद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का भी नाम आता है। दरअसल आपको बता दें कि तेरे नाम फिल्म शूटिंग के दौरान किसी सीन को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हो गई थी, जिसके चलते सलमान खान ने उन्हें भी थप्पड़ मार दिया था। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को इनकार करके कहा था कि सलमान ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। इसी तरह इन दोनों के बीच आज भी एक अच्छा रिश्ता देखने को मिलता है। वेल, सलमान खान का इस व्यवहार को लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।